दोस्तों, अगर आपने भी एसएल ड्यू के अंदर पीजी का एडमिशन फॉर्म फिल किया हुआ है और एडमिशन फॉर्म फिल होने के बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी मिस्टेक कर दिया फॉर्म फिल करते वक्त, तो उसको कैसे आपको करेक्ट करना है, उसके अंदर कैसे करेक्शन करनी है फॉर्म के अंदर, या फिर फॉर्म को कैसे एडिट करना है, उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एसएल ड्यू के पीजी एडमिशन फॉर्म को करेक्शन करने के लिए नोटिस हमारा पहले ही आ चुका था, जिसमें देखिए आप 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में अपने फॉर्म के अंदर एडिट कर सकते हैं। चाहे आप सीयूटी स्कोर के बेस पे आपने फॉर्म फिल किया हो या फिर ग्रेजुएशन मार्क्स के बेस पे आपने फॉर्म फिल किया हो, आप यहाँ पे अपना करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही देखिए सीयूटी बेस स्कोर जो हमारी मेरिट लिस्ट में यहाँ पे आ चुकी है। साथ ही बात करते हैं नोटिस स्कोर शेड्यूल ग्रेजुएशन मार्क्स बेस मेरिट लिस्ट, इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो मेंशन किया गया है जो आपकी ग्रेजुएशन बेस जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी आएगी 20 अगस्त को, यानी आप जो फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने 3 जून से जो स्टार्ट हो गए थे फॉर्म फिल होना, लास्ट डेट रखी है 16 अगस्त, यानी आप 16 अगस्त से पहले पहले अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं अगर आपके फॉर्म के अंदर भी कोई मिस्टेक हो गई या फिर अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको एसओएल ड्यू की वेबसाइट पर जाना है पीजी एडमिशन फॉर्म पे। तो यहाँ पे आपको अपने लॉगिन डिटेल से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे आते ही देखिए आपका जो करेक्शन का विंडो यहाँ पे ओपन हो चुका है, जहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है अपडेट एकेडमिक डिटेल और अपडेट अपलोड, यानी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर कोई मिस्टेक होगी, मान लीजिए 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट के अंदर या कोई इन्फॉर्मेशन आपने रॉन्ग फिल कर दिया है, तो आप अपडेट एकेडमिक डिटेल के अंदर ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी यहाँ पे एकेडमिक डिटेल यानी 10th की डिटेल के अंदर, 12th की डिटेल के अंदर और ग्रेजुएशन की डिटेल के अंदर अपडेट कर सकते हैं। बात करते हैं जब आपने फॉर्म फिल किया था उस वक्त आपका रिजल्ट नहीं आया था फाइनल सेमेस्टर का ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप उसका रिजल्ट की डिटेल भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यानी यहाँ पे अपनी परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं अपडेट एकेडमिक डिटेल के अंदर। तो आपकी जो भी मिस्टेक यहाँ पे हुई है, करेक्शन करना चाहते हैं फिर एडिट करना चाहते हैं फॉर्म के अंदर, वो आप एडिट कर सकते हैं। करेक्शन और एडिट करने के बाद आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके डिटेल को सेव कर लेना है। तो यहाँ पे आप एकेडमिक डिटेल तो इस तरह से सेव कर सकते हैं अपनी, उसको चेंजेस कर सकते हैं, उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर आप चेंजेस करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने जो डॉक्यूमेंट जब अपलोड किया था एडमिशन टाइम पे फॉर्म फिल करते वक्त, आपने 5th सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कर दी थी अपनी, लेकिन 6th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया था, तो इस केस में आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए आप अपडेट अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम डॉक्यूमेंट स्टेप पर जाएंगे, जहाँ पे आपने अपना फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और अगर आपने सीयूटी बेस पे फॉर्म फिल किया है तो वो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा। तो सीयूटी बेस के ऊपर आपको कोई दिक्कत नहीं है डॉक्यूमेंट के अंदर, 10th 12th के डॉक्यूमेंट के अंदर दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। दिक्कत होने वाली है आपको यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएशन की आपने मार्कशीट यहाँ पे अपलोड की थी, अगर आपने रिजल्ट अपना आया नहीं था आपका एडमिशन टाइम पे और आपने 5th सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दी थी, तो इस केस में आपको करना क्या है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ने 5th सेमेस्टर की ही मार्कशीट अपलोड की हुई थी, तो उसको अब यहाँ पे करना क्या है, अपना जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है यानी जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट जो रिजल्ट आया है वो यहाँ पे अपलोड करना है, जिसमें रिजल्ट पास होना चाहिए, साथ ही उसमें जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो उसमें ऐड करना है एक ही पीडीएफ की फाइल के अंदर, और दोनों डॉक्यूमेंट को एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर अपलोड करना है और अपलोड कर देना है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको सबमिट करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएंगे हमारे, यानी इस तरीके से आप अपनी फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर और डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों क्लियर हो गया कैसे आपको पीजी एडमिशन फॉर्म को करेक्शन करना है, उसके अंदर क्या एडिट करना है, ट्विटर जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है।